देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे गोपालगंज पहुंचे और आज पीएम मोदी के जन्मदिन पर गोपालगंज के लोगों को एक खास तोहफा देने का काम किया। बताते चले कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने पासपोर्ट ऑफिस का गोपालगंज में शुभारंभ किया और इसके साथ ही गोपालगंज के लोगों को एक खास तोहफा दिया। बताते चले कि इसके पहले गोपालगंज के सभी लोगों को पासपोर्ट बनवाने के लिए पटना जाना पड़ता था, लेकिन अब जो काम पटना में हुआ करती थी वो सारी काम गोपालगंज में होगी, यानी कि पूरी तरह से उनको अब परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और साथ ही अश्विनी चौबे ने मोदी जी के जन्मदिन के बाद पासपोर्ट ऑफिस का जब उद्घाटन किया उसके बाद थावे के मंदिर पहुंचे और मोदी जी की आयु के लिए वहां पर पूजा अर्चना की। इनके साथ गोपालगंज के सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, सीवान के सांसद सहित कई भाजपा और एनडीए के नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। एटीएन लाइव के लिए चंदन कुमार की रिपोर्ट। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आज जन्मदिवस है और इस जन्मदिवस के अवसर पर पूरी दुनिया और देश के लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं और थावे गोपालगंज की जनता के द्वारा यहाँ के समस्त कार्यकर्ताओं ने, हमारे सभी विधायकगण, सांसदगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, पूर्व विधायकगण, पूर्व सांसदगण, सब लोगों ने मिल करके आज उनके दीर्घायु की कामना करके जहां माता थावे का पूजन किया, वहीं यहां हम लोगों ने उनके नाम से संकल्प लेकर के पूजा के साथ साथ यहां हवन सामग्री के साथ हवन भी किया गया। ओम ऐं क्लीं क्लीं चामुंडा विच्छे स्वाहा और माँ से आराधना की गई कि माँ प्रधानमंत्री को इतना ऊर्जावान दो, शक्ति दो, ताकि देश की सेवा और भी ऊर्जान्वित होकर के कर सके और हम सब लोगों का अनादिकाल कुंभकर्ण की भावना से पूरा विश्व गुरु भारत बने, इसी कामना से हम लोगों ने आज पूजा और संकल्प लेकर के उनके दीर्घायु की कामना की। धन्यवाद।